मॉर्निंग, प्रणाम, सेवान्य, नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले फिर से एक बार संजोग राय भक्स में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि आज संडे होने कारण से थोड़ा बहुत लेट उठ के अपना रूम को साफ अप करके साथ साथ में अपना कपड़ा सब धो के अभी रेडी हूँ। और आज हमको जाना है एक जगह जिसका जहाँ का नाम है विक्रमगंज। मैं और मेरा दोस्त गुड्डू सर एक प्लान बनाया है कि वहाँ जाके आज लंच करें, क्योंकि घर का खाना खाते 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 कभी कभी बोर हो जाता है, तभी तो इसीलिए हम कभी कभी रेस्टोरेंट में चले जाते हैं अपना अपने आप को थोड़ा सा चेंज करने के लिए। तो आज अभी थोड़ी देर में हम लोग जाएंगे विक्रमगंज और वहाँ जाके आज हम लोग का प्लान है कि वहाँ पर जाके एक हांडी चिकन खाया जाए। तो प्लान तो बन गया है, अभी इस प्लान को एग्जीक्यूट करना है। तो अभी रेडी है, थोड़ी देर में हम लोग जाएंगे। तो आज का व्लॉग मेरा यही होगा कि हम अपना संडे को किस तरह से इंजॉयबल बना रहे हैं, संडे को किस तरह से हम इन्जॉय कर रहे हैं, ये सभी चीज़ आप लोग को दिखाएंगे। तो आज भी मेरा ब्लॉग इंटरेस्टिंग रहेगा। आई होप सो कि ये वीडियो को देख के आप लोग भी इन्जॉय करेंगे। तो अब यहाँ से हम निकलते और थोड़ी देर बाद में हम वहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद में आप लोगों को जो भी चीज़ होगा आप देते रहेंगे। तो उससे पहले एक बार फिर से आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच, आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, आप लोगों का प्यार मिल रहा है, तो मुझे अच्छा लग रहा है। अभी आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि और ज़्यादा मात्रा में मुझे सहयोग कीजिए और ज़्यादा मात्रा मुझे सपोर्ट कीजिए। आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार के कारण से मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ। तो ठीक है, आज जित जो भी है, आज जित जो भी हम काम करेंगे और जो भी इन्जॉय करेंगे वो सभी चीज़ का आप लोगों को अपडेट देखते रहेंगे। तो ठीक है, कहीं मत जाइएगा, अभी हम जाएंगे विक्रमगंज की तरफ और उसके बाद में आप लोगों को वहाँ जाके जो भी कुछ होगा आप लोगों को देने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिएगा और आज का व्लॉग कंटिन्यू रहेंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो आई एम रेडी, अभी हम रेडी हो चुके हैं और यहाँ पर रूम से बाहर आके अभी गुड्डू सर का वेट कर रहे हैं। तो आज थोड़ा बहुत मौसम अच्छा है, इसीलिए जाने में अच्छा लगेगा। और आप लोगों को जो भी कुछ है हम यहाँ से विक्रमगंज तरफ लेते जाएंगे और वहाँ पर जो भी कुछ रहेगा रास्ते में आप लोगों को दिखाते जाएंगे, क्योंकि विक्रमगंज का ब्लॉग आप लोगों को अभी तक हम नहीं दिखाए थे। तो आज थोड़ा बहुत नया जगह में जाना है और नया जगह में जाके वहाँ का चीज़ को एक्सप्लोर करना है। तो अभी वेट कर रहा हूँ गुड्डू सर का, उसके बाद में जब भी गुड्डू सर आएंगे उसके बाद में हम जाएंगे उनके साथ। तो देखते रहिए, अभी हम निकल रहे हैं आज। तो गुड्डू सर आ गए हैं, तो ओके, अभी हम लोग रेडी हो गए हैं। अभी यहाँ से जाना है इस रास्ते के थ्रू विक्रमगंज। तो देखते रहिएगा, अभी दो लोग, दो भाई चले गए हम लोग इंजॉय करने के लिए। अभी हम लोग यहाँ पर एक जगह है, यहाँ बिठुआ में रुके और यहाँ पर एक अच्छा मुझे बाबा सर्वेश्वर नाथ मंदिर देखने को मिला। तो आप लोगों को वो दिखाने का इच्छा हुआ, इसीलिए हम यहाँ पर रुके हुए हैं। विनोद सर और गुड्डू सर वहाँ मेरे वेट कर रहा है। तो अभी आप लोग हम मंदिर का दर्शन करा देते हैं, हालांकि हम अंदर नहीं जाएंगे मगर फिर भी बाहर से भी आप लोगों को ये मंदिर का दर्शन कराएंगे। तो देखिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर मंदिर दिखने को मिल रहा है, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, हवा भी बहुत आ रहा है, साथ साथ में मंदिर का दर्शन आप लोगों को हम करा पाए। तो देखिए
तो ठीक है, अभी आप लोग को मंदिर का दर्शन करा दिए, तो अभी फिर से हम जाएंगे अपना डेस्टिनेशन की तरफ, विक्रमगंज की तरफ, तो बने रहिएगा। डेस्टिनेशन आ चुके हैं हम लोग, अभी विक्रमगंज में हैं। विक्रमगंज में आप लोग हम बोले थे कि आज स्पेशली लंच करने के लिए आए हैं, तो अभी लंच करने के लिए एक जगह जहां पर चंपारण अंडे मीट मिलते हैं वहां पर हम लोग जा रहे हैं, और आप लोगों को भी लेके जाएंगे, तो देखते रहेगा। तो यहां पर देख सकते हैं, यहाँ पर यही होटल है जहाँ पर आपका अंडे मीट मिल रहा है। अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर अंदर, और यहाँ देखिए अंडे मीट बनाया हुआ रेडी करिए, आप देख सकते हैं। चलो बैठे, चल बैठे, क्या अंदर जाना है? हाँ, तो हम लोगों ने अभी अंडी चिकन ऑर्डर कर दिया है और तीनों लोग खाएंगे। कितना ऑर्डर किया सर? आधा किलो ना, एक किलो खा जाएगा। तो एक किलो अंडी चिकन मंगाया है यहाँ पर, अभी ऑर्डर हो गया है, तो अब देखते हैं कब बनेगा। अभी ऑर्डर तो दे दिया है और यहाँ पर काम भी लग चुका है, तो ठीक है। अभी यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं, यहाँ पर हांडी यहाँ पर लगाए भी गए, आप लोग हम पहले भी दिखाए थे, तो अभी ऑर्डर हो चुका है। अभी थोड़ी देर में, आधा घंटा में तैयार हो जाएगा हांडी चिकन, उसके बाद में खाते हुए समय में आप लोगों को दिखाएंगे। ये अंडे मीट के लिए सबसे पहले प्रिपरेशन, अंडे को मिट्टी से कवर करके सुखाया गया है, और उसके बाद में आप लोगों को दिखा देते हैं। हम लोग होटल के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर वेट कर रहे हैं हम लोगों का ऑर्डर का, तो हम तीनों यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, साथ साथ में अच्छा फील हो रहा है। बहुत दिनों बाद में थोड़ा बहुत अपने आप को टाइम दे के कहीं पर जाके घूमना, साथ साथ में थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन करना, इंजॉयमेंट करना, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो
बोलो सर अच्छा लग रहा है ना विनोद सर, ठीक है ना, अच्छा लग रहा है, ठीक ठीक। हाँ पीछे 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 ना, ठीक। तो आ चुके हैं हम लोग अंडे मीट, सर कीजिए सर, सर कीजिए सर कीजिए ना सर कीजिए विनोद सर कीजिए। घर में नहीं है, घर में तो कठिन लगता है। तो हम लोग खा रहे हैं, अब नमक भूखा खा रहे हैं, अच्छा लग रहा है। अभी हम लोगों ने खाना खा लिया है, तो विनोद सर गुड्डू सर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा ना, मन कर रहा है बार बार आए यहाँ पे। हाँ तो अच्छा लगा खाना, हम भी को भी अच्छा लगा, तो बार बार आएंगे। हाँ हम फिर से दोबारा फिर आएंगे तो इस होटल में। तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से अपना घर के तरफ, नवानवा के तरफ। तो नवानवा जाके कहीं जाके आप लोगों से फिर थोड़ी देर मिलते हैं, उसके बाद में आज का ब्लॉग बिगिन करेंगे। दावत में है यहाँ पर, दावत में एक ये जो आप लोग देख रहे हैं पीछे, एक ये पोखरा, मतलब कि अभी हम लोग बोल सुन रहे थे कि यहाँ पर एक राजा का पोखरा है, पहले का राजा का पोखरा है। और अभी आप लोग आज हम दिखाए कि किस तरह से हम लोगों ने आज इंजॉयमेंट किया, किस तरह से हम लोगों ने संडे मनाया और किस तरह से दोस्तों के साथ मिल के हम लोग इन्जॉय किए, आप लोगों ने देखा। तो आई होप सो कि मेरा वीडियो को आप लोगों को आज अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिएगा, साथ साथ में इस मेरा चैनल को अच्छा लग रहा होगा तो मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अभी आज के लिए मैं इतना ही अपना ब्लॉग को इतना ही रखूँगा, उसके बाद में नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को और बढ़िया चीज़ देने का प्रयास करते हुए आज का ब्लॉग से विदा लेते हैं। और विदा लेने से पहले आप लोगों को थैंक यू सो मच बोलना चाहता हूँ फिर से एक बार, क्योंकि आप लोग कारण से मैं अपना वीडियो बना पा रहा हूँ और अपना वीडियो को कंटिन्यू कर पा रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी हमको जाना है अपना घर नवानवा की तरफ। तो अभी हम रास्ते में अपना वीडियो को इन कर रहे हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को मिलने का वचन देते हुए आज का ब्लॉग से विदा लेते हैं। सो एवरीवन बाय बाय, गुड नाइट। लास्ट में एक ही वर्ड हम बोलना चाहते हैं, फिर मिलेंगे चलते चलते। सो एवरीवन अगेन बाय बाय एंड स्लीप वेल।